हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि FIR कैसे आपको रजिस्टर्ड कराना है और अगर FIR रजिस्टर्ड नहीं होता तो आपको क्या करना है। ठीक है, जनरली आप देखे होंगे, कभी पुलिस स्टेशन गए भी होंगे, जब छोटा मोटा कुछ मैटर हो गया होगा, जब फोन खो गया, आपके अगेंस्ट कोई क्राइम हो गया, तो आप जनरली जब पुलिस स्टेशन जाते हो तो आपका FIR नहीं रजिस्टर्ड होता। ठीक है, और होता भी तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आती हैं और उन्हें पुलिस अवॉइड करने की कोशिश करती है कैसे भी करके इस FIR को रजिस्टर ना करें। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। तो आज मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूँ FIR से रिलेटेड होगा, कैसे FIR रजिस्टर्ड होता है और कैसे आपको कराना पड़ेगा, और उसके बाद अगर पुलिस FIR रजिस्टर्ड नहीं कर रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, और फाइनली इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको कैसे कराना है और पुलिस से पुलिस नहीं कर रहे तो आपको कहाँ पे जाना है, और उसके बाद आपको कोर्ट पे जाना पड़ेगा, मतलब अगर पुलिस नहीं की तो कोर्ट में जाना पड़ेगा और फाइनली आपका FIR रजिस्टर्ड होगा। लेकिन आपको सारी की सारी चीज़ों को समझने के लिए शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम आपको FIR के रिगार्डिंग सारी की सारी चीज़ें बताने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपके अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ, जैसे मान लो आपकी कोई चीज़ चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया, ठीक है, या आपके साथ रॉबरी हो गई, ठीक है, या मर्डर हो गया, या कुछ भी ऐसा ऑफेंस हो जा रहा है, ठीक है, जिसके लिए पुलिस FIR नहीं रजिस्टर्ड कर रहा है, तो आप क्या करोगे, बहुत अच्छे समझना। पहले तो जनरली कोई क्राइम होता है तो आप कहाँ जाते हो, पुलिस स्टेशन जाते हो। ठीक है, तो आप जब पुलिस स्टेशन जाओगे तो पुलिस स्टेशन जब जाओगे तो आप देखोगे कि आपको पहले SI और जो भी थाना इंचार्ज होते हैं SO डायरेक्टली तो आपसे मिलने वाले नहीं है। ठीक है, तो आप एक कॉन्स्टेबल से पूछोगे कि सर कहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, तो वो बताएंगे कि सर अपने ऑफिस में वहाँ पे बैठे हैं, आप सर राउंड अप पे गए हैं। ठीक है, फिलहाल जब भी अगर राउंड अप गए तो आ गए तब आप उनसे मिल पाओगे, और अगर ऑफिस में बैठे हो तो आप डायरेक्टली ऑफिस में गए मिल लिए। ठीक है, आप उनसे बताओगे सर ये प्रॉब्लम है, मेरा कोई मतलब फ़ोन चुरा लिया है, मेरे घर में चोरी हो गई है, थेफ्ट हो गया है, तो पूरे के पूरे मैटर को सुनेगा और फाइनली वो बोलेगा हाँ ठीक है, एक एप्लीकेशन टाइप में लिखेगा, बोलेगा आपसे हाँ फाइनली ठीक है, आपका FIR हो गया, रजिस्टर कर लिया, आप जाइए अब घर, आपका मतलब आपके इस एप्लीकेशन पे कार्रवाई चालू हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, आपसे बोल दिया जाता है, लेकिन FIR जनरली नहीं रहता, उसे एप्लीकेशन बोलते हैं, और वो एप्लीकेशन FIR नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना आप लोग, एप्लीकेशन FIR नहीं होता, जनरली एप्लीकेशन लिख लिया आपको थोड़ा तसल्ली दिलाने के लिए, और फाइनली एक तरीके से आपका FIR जो आप बोलते हो, मतलब जिसे जिसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो नहीं रजिस्टर किया जाता। ठीक है, तो वो क्यों नहीं रजिस्टर किया जाता, इसके ये पहले आप समझ लो, फिर आपको सारी चीज़ें समझने में आसान होगा। तो FIR इसलिए नहीं रजिस्टर करते क्योंकि अब एक थाने में जो FIR रजिस्टर हुआ उसे उसका रिपोर्ट हर मंथली वाइज या जो भी शेड्यूल होगा उसे अपने SP ऑफिस में बताना पड़ेगा। SP ऑफिस, अब SP उसे SI से या थाना इंचार्ज होते हैं जो SHO होते हैं, उनसे बोलेगा कि आपके थाने में इतने क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहा है, आप सब क्यों इतनी लापरवाही करो, उन्हें बहुत सारे डांट-वांट सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो उसलिए वो लोग अवॉइड करते हैं, और वो भी एक चीज़ ये भी होता है अगर FIR रजिस्टर्ड कर लिए तो उन्हें उसका प्रॉपरली अच्छे तरीके से बहुत इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें चार्जशीट बनानी पड़ेगी, चार्जशीट को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, बहुत सारी प्रोसीडिंग चलेगी, फाइनली जब तक वो मैटर सॉल्व नहीं होता तब तक उनके पीछे पड़े रहेंगे। ठीक है, अगर FIR लिखे इन्हें सारी चीज़ें से बच गए, ऊपर से उनको कहीं रिपोर्ट भी नहीं देना है। ठीक है, तो जनरली आप इतना समझो, जब आपके अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ और आपका FIR रजिस्टर्ड होता है तो आप इतना पहले शॉर्टकट में समझो कि आप पहले तो पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन से काम नहीं बना तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे SP के पास, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो उसे आप अपने FIR अगर आप डायरेक्टली मिल पाते हो, ठीक है, तो आप उससे सारी चीज़ें बताओगे कि मेरे अगेंस्ट ये क्राइम हो गया है और इस स्टेशन में मैं गया था, XYZ जिस स्टेशन के अंदर आप लोग रहते हो, तो बताओगे कि स्टेशन में गया था और मेरे FIR नहीं रजिस्टर्ड किया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, एक मंथ दो मंथ हो गया और अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो SP अगर FIR लिख लिया तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब उसे क्या नाम है SO को या जो भी थाना इंचार्ज है या SI है उसे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनली चार्जशीट बना के कोर्ट में सारी चीज़ें पेश करना पड़ेगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि FIR आपका रजिस्टर तो पुलिस ने मतलब SI या SHO तो नहीं किया, आप SP के पास भी गए तो SP भी मान लो आपका किसी तरीके से रजिस्टर नहीं करता है,
आप जनरली आप तो पूछोगे नहीं सर किए कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, ऐसा तो आप में हिम्मत है नहीं, या तो उतना तो उसके पास टाइम ही नहीं है आप उनसे इस तरीके से बोल पाओ, आधे घंटे बोल के सारी चीज़ आप बात कर पाओ, ये वो सारी चीज़, समझ रहे हो आप मेरे कहने का मतलब? ठीक है, तो एक तरीके से आप बोलेगा कि हाँ एप्लीकेशन दे दो, ये वो सारी चीज़ें, अगर रियल तरीके से कर लिया तो ठीक है, नहीं करता है तो भी मैं इसके आगे बताने वाला हूँ कि इसके आगे फाइनली आपका कैसे रजिस्टर्ड FIR होगा, समझना। अगर SP कर लिया तो ठीक है, तो अगर SP जब कर लेगा रजिस्टर्ड तो FIR की कॉपी आपको लेना है, ठीक है। कॉपी आप अगर पुलिस स्टेशन में, मतलब अगर ये FIR रजिस्टर्ड करते हैं मतलब थाना इंचार्ज, तो भी इनसे आपको कॉपी लेना है FIR की, और SP करते हैं तो इनसे भी आपको FIR की कॉपी लेना है, ठीक है। अगर आपको कॉपी नहीं मिला है तो फर्दर आप ये क्लेम ही नहीं कर सकते मैंने ये चीज़ किया था और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। कॉपी रहेगा तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा, हाँ मैं इस स्टेशन गया था, इस स्टेट को गया था और ये मेरा मैटर था और मैंने इस पर एप्लीकेशन FIR रजिस्टर कराया था, बट कुछ हुआ नहीं अभी तक, ठीक है। तो फाइनली आप क्या करोगे, अगर FIR SP के थ्रू रजिस्टर्ड हो गया, आपको कॉपी मिल गया तो ठीक है, और लग बाई चांस बहुत बहुत बार ऐसा होता है आप SP से मिलना चाहते हो बट SP आपसे नहीं मिल पा रहा है, उसके पास टाइम का मतलब अभाव है, आप ये बोल लो कि किसी भी तरीके से आपसे नहीं मिल पा रहा है, तो आप बाई पोस्ट भी कर सकते हो FIR, सॉरी अपना एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो बाई पोस्ट, और अगर उसे अच्छा लगता है, अच्छा इंसान लगता है, हाँ ये केस जेन्युइन है, तो FIR रजिस्टर कर सकता है। लेकिन जब आप कॉपी भेजो बाई पोस्ट तो उसका भी मतलब जब आप एप्लीकेशन भेजो बाई पोस्ट तो उसका भी एक कॉपी अपने पास रखना, ठीक है। कॉपी एज एविडेंस वर्क करता है, आप कभी बताओगे किसी को कि मेरा FIR रजिस्टर्ड हो रहा है और सुपीरियर अथॉरिटी को तो ये चीज़ बताना पड़ेगा ना, हाँ पहले मैंने यहाँ पे गया था, ये देखो मेरा कॉपी है, मतलब एक जीरोक्स कॉपी है, इसमें ये एक्शन नहीं लिया गया, ठीक है। तो इतना अगर नहीं होता है SP तक भी आपका मैटर मतलब बात नहीं बनती, तब आप क्या करोगे, ठीक है। अब मैं जो बताने वाला हूँ आप लोग थोड़ा अच्छे समझना, क्योंकि यहाँ पे आपका काम 100% होगा, ठीक है, नो डाउट। तो आप क्या करोगे, कोर्ट जाओगे, बहुत अच्छे समझना इस प्रोसीडिंग को, कोर्ट जाओगे, ठीक है, जिस जिले से बिलोंग करते हो उस कोर्ट में आप गए, ठीक है। कोर्ट में आप एक एडवोकेट से मिलोगे, ठीक है, क्योंकि और करने को तो आप खुद कर सकते हो लेकिन आपको सारी चीज़ें पता नहीं है, ठीक है, तो आप एक एडवोकेट से मिलोगे, ठीक है। अब वो एडवोकेट एक नोटिस बनाएगा, नोटिस इन द सेंस आप नोटिस ना बोलो, एप्लीकेशन बनाएगा, और उस एप्लीकेशन को SP के पास भी सेंड कर देगा, ठीक है, पुलिस स्टेशन में मतलब कि SHO के पास भी भेज दिया, ठीक है। अगर फाइनली इस एडवोकेट के एक तरीके से फिर से एप्लीकेशन भेजने पे कि सर ये मैटर है और इनका FIR रजिस्टर किया जाए, ठीक है, एप्लीकेशन भेज दिया, अगर ये दोनों फिर से कर लेते हैं तब तो ठीक है, अगर फिर भी ये दोनों नहीं कर रहे तो अब ये एडवोकेट क्या करेगा, देखो बहुत अच्छे समझना, अब ये एडवोकेट क्या करेगा, ये एडवोकेट, ठीक है, जिस पुलिस स्टेशन का मैटर है, तो मैटर इन द सेंस कह रहे हैं मतलब जैसे मान लो कि आप लोग जहाँ से भी बिलोंग करते हो, ठीक है, वहाँ का एक पुलिस स्टेशन होगा, मतलब आप अपना FIR उस स्टेशन में, एक दायरा होता है, वहीं पर जाकर रजिस्टर करा सकते हो, ठीक है। तो वो पुलिस स्टेशन होगा, मतलब जिस उसी उस मजिस्ट्रेट के पास जाओगे जिसके ज्यूरिसडिक्शन में वो पुलिस स्टेशन आता था, जहाँ से आप बिलोंग करते थे एक तरीके से, ठीक है। तो उस कोर्ट पे, उस मजिस्ट्रेट पे, मजिस्ट्रेट को आप एप्लीकेशन दोगे, ठीक है, कि एप्लीकेशन में क्या बताओगे, एप्लीकेशन दे दिए, ठीक है, एप्लीकेशन में क्या क्या बताओगे आप, तो एप्लीकेशन ये रहेगा कि देखो पहले मैंने, मेरे पास ये कॉपी है, SP को भी भेजा था, SHO को भी भेजा था एप्लीकेशन, बट मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, ठीक है। तो जब आप कोर्ट के पास आओगे ना, तो कोर्ट आपकी सारी चीज़ों को सुनेगा, ठीक है, और कोर्ट को ये लगता है कि हाँ ये सही बोल रहा है और FIR नहीं रजिस्टर्ड हो रहा है किसी भी इशू से, तो कोर्ट यहाँ पे दो वक्त करेगा, मतलब कोर्ट के पास अब दो ऑप्शन है, ठीक है, या तो कोर्ट एक नोटिस इशू कर देगा, ठीक है, किसके लिए, किसको इशू करेगा, उस SHO को, मतलब उस पुलिस स्टेशन ऑफिसर को जो आपके जिसके ज्यूरिडिक्शन में आप रहते हो, कि आप FIR रजिस्टर्ड करो, FIR रजिस्टर्ड करो, और उसकी और उसका जो चार्जशीट होता है, चार्जशीट वो मेरे को प्रेजेंट करो, मतलब मेरे को दो, ठीक है। तो कोर्ट क्या करेगा, नोटिस इशू करेगा, किसको करेगा, SHO को करेगा, किसके रिगार्डिंग करेगा, FIR रजिस्टर करने के लिए करेगा, और फाइनली उसे बोलेगा चार्जशीट मेरे को दो, ठीक है। और अगर एक कोर्ट के पास ये ऑप्शन होगा, और दूसरा कोर्ट के पास ये ऑप्शन होता है कि कोर्ट खुद चाहे तो पार्टी से बोलेगा कि आप अपना बयान दो, ठीक है,
तो अगर पार्टीज बोला कि आप अपना बयान दो, और बयान लेने के बाद अगर कोर्ट को ये लगता है हाँ ये चीज़ सही है, उसे जेन्युइन लग रही है, ठीक है, तो वहीं से एक तरीके से FIR रजिस्टर मान लिया जाता है, ठीक है, और प्रोसीडिंग कोर्ट आगे कर सकता है। तो यहाँ पे ये सब CRPC के प्रोविजंस हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो CRPC की ये सब सेक्शन के थ्रू सारी सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन सब लोग ये जो लॉ की एक तरीके से वही सारे सेक्शन समझ सकता है, इसलिए मैं सेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपको ओनली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो आप कहाँ पे गए, कोर्ट में गए, कोर्ट में जब गए तो वो पार्टी मतलब बुलाएगा, सॉरी आप किसके थ्रू जाओगे कोर्ट में, एडवोकेट के, तो कोर्ट बोलेगा कि पार्टी कहाँ है, पार्टी को बुलाया, पार्टी से क्या लिया, बयान लिया, ठीक है। बयान लेने के बाद अगर उसे लगता है हाँ FIR मतलब रजिस्टर करना चाहिए, मैटर जेन्युइन है, तो वो FIR रजिस्टर कर लिया, अगर जेन्युइन नहीं लगता है तो FIR तरीके से कैंसिल भी कर सकता है। लेकिन अगर आप फाइनली अगर कोर्ट में जा रहे हो तो आपका जेन्युइन है, 101% आपका FIR रजिस्टर्ड होना है, ठीक है। तो मेरा पूरा का पूरा ये सब बताने के पीछे ये लॉजिक था, ठीक है, या मैं ये समझ के आपको बता रहा हूँ कि आजकल की सोसाइटी में बहुत सारी ये प्रॉब्लम आती है कि उनके अगेंस्ट क्राइम हो जाता है लेकिन उनका FIR रजिस्टर्ड होता ही नहीं। वो लोग दौड़ते रहते हैं, तो कहीं कुछ पैसे की डिमांड कर लेते हैं कोई लोग, कि आप सब जानते हो, मैं क्या ही डिटेल में बताऊँ, और या तो ये होता है कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन दौड़ते रहें, कुछ नहीं हुआ, आप पुलिस थाने से लेकर के SP ऑफिस तक चक्कर लगाओ, DSP से मिलो, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर नहीं होता है किसी के साथ, अगर ऐसा वो परेशान है, तो जो मैं बता रहा हूँ आप कोर्ट जाके एडवोकेट के थ्रू आप अपना FIR रजिस्टर करा सकते हो। और फाइनली अगर विटनेसेस मतलब बयान ले लिया कोर्ट ने, ठीक है, तो कोर्ट ने जैसे ही बयान लिया उसके बाद अगर उसे लगता है कि जेन्युइन है, तब तो वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा, डायरेक्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देगा, कि बोलेगा पुलिस से आप इन्वेस्टिगेशन करो, चार्जशीट सबमिट करो, वो सब सारी चीज़ें, ठीक है। अगर कोर्ट को भी लगता है कि नहीं जेन्युइन नहीं है, ठीक है, तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात, अगर जेन्युइन रहेगा तभी तो उस पर कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। तो आप सब बहुत अच्छे समझना, और इस चीज़ से अगर ना जिसे समझ में, एक बार और इस वीडियो को देख लेगा, लेकिन बहुत अच्छे समझने की कोशिश करेगा कि फाइनली आपका FIR रजिस्टर्ड होना ही होना है, आप सबको परेशान नहीं होना है। अगर आप आपके अगेंस्ट क्राइम हुआ है तो आप थोड़ा जागरूक रहो, थोड़ा एक्टिव रहो, और आपको 100% FIR, आपका 100% FIR रजिस्टर्ड होगा, और जैसा आप चाहते हो वैसी प्रोसीडिंग होगी, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई एडवाइस चाहिए होता है, तो आप मेरे ईमेल शेयर कर देता हूँ, एंड व्हाट्सएप नंबर भी सेंड कर देता हूँ, आप मेरे ईमेल एंड व्हाट्सएप नंबर तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।